इस बात के लिए मुझे बहुत बैकलैश मिलने वाली है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर. इट वॉज इन माई माइंड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई नाउ दैट आई हैव लाइक यू नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट फॉलो मी. तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कहा जाए, ज़्यादातर देसी हैं तो मुझे बड़ी बैकलैश मिलने वाली है, मुझे पता है ना. रेडी फॉर इट, आई डोंट केयर. तो आप जब कोई पिक्चर लगाते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा माशाल्लाह कहेगा, तो लाइक फॉर मी आई इवन इफ आई सी लाइक अ ग्रीन लीफ आई वुड से माशाल्लाह. ठीक है, छोटा फूल, छोटी सी प्यारी सी सब्जी जो उगती है, मैं उसको देख के कहती हूँ माशाल्लाह. ठीक है, लेकिन इफ यू पुट हैशटैग से माशाल्लाह, दैट मींस कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं माशाल्लाह कहूँ, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूँ? मुझे कहना तो मैं खुद ही कहूँगी. अगर आपको इतनी टेंशन है ना, तो वो पिक्चर ना लगाओ फेसबुक पे, ना लगाओ इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ना लगाओ, छुपाओ, क्योंकि नज़र तो लग सकती है. ठीक है, लेकिन जब आप से माशाल्लाह लिखते हो ना, तो वो पर्पस डिफीट हो जाता है. अगर आप खाली माशाल्लाह लिख दो, तो मेरे जैसे पढ़ने वाला उसको माशाल्लाह पड़ेगा, लेकिन से माशाल्लाह को यानी कि बेबी की प्यारी सी पिक्चर्स लगाई हैं, हस्बैंड की लगाई हैं, प्यारे से घर की लगाई हैं, खूबसूरत लाइफ की लगाई हैं पिक्चर्स, मेरी इंटेंशंस क्या आपको नहीं पता? आपने लिख दिया हैशटैग से माशाल्लाह, मैंने पढ़ा हैशटैग से माशाल्लाह मूव ऑन. इससे अच्छा आप माशाल्लाह लिख देती, शायद मैं वाकई पढ़ ही लेती माशाल्लाह, मेरे मुंह से निकल जाते, क्योंकि लिखा हुआ था, कैप्शन था, मैंने पढ़ लिया. लेकिन आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती अपनी पिक्चर्स के नीचे, मेरी क्या इंटेंशंस आपको नहीं पता. तो इसलिए बेहतर ये कि ना लगाओ पिक्चर्स. और दूसरी बात ये, वो लड़कियां जो अपने मुंह से कहती हैं, एक लड़की ने मुझे कह दिया था एंड आई जस्ट मुझे मेरी उसके बाद उससे वो वाली चीज ही नहीं रही. उसने कहा नजर ना लगा देना, पता नहीं किसी आम सी बात पे. एंड आई वॉज लाइक वाई हनी वाई, आई डोंट इवन केयर अबाउट योर लाइफ, मैं क्यों नजर लगाऊंगी? और इस तरह डायरेक्टली किसी को अक्यूज करना, यानी कि हो सकता है लग गई तो ना लगाती पिक्चर, क्यों लगाई अपनी पिक्चर्स अब? लाइक ये जस्ट छोटी छोटी चीजें हैं. आई नो यू नॉट गोना अग्री विद मी, बट आई जस्ट हैड टू से इट बिकॉज आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ रीडिंग हैशटैग कैप्स में से माशाल्लाह. आई एम गोना रीड इट एज से माशाल्लाह एंड नॉट एज माशाल्लाह. सो यू बेटर पुट अ माशाल्लाह. एक और चीज, और इस पे भी मुझे बहुत बैकलैश मिलेगी और बहुत सारे लोग हेट करेंगे, आई मीन आई एम सॉरी बट आई हैव टू जस्ट से इट. ये जो आप हैंड का साइन और आंख उसके अंदर लगाते हैं ना, ईवल साइन, मैं कोई बहुत दीनी नहीं हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे हिदायत दे और हम सबको हिदायत दे, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ये पता है कि ये भी हमारे दीन के खिलाफ है. ठीक है, मेरी बातें बहुत क्लीशे होंगी क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया पर्सन हूँ. ठीक है, लेकिन जो मैं लाइक आई मीन व्हाटएवर आई से. ठीक है, तो ये इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, बट आई गॉट टू नो अबाउट इट लेटर ऑन. तो वो आंख का साइन जो है वो बिल्कुल गलत है, हमारे लिए वो नहीं है. तो प्लीज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट है कि उसकी वजह से आपकी फैमिली को नजर नहीं लगेगी, तो आप रॉन्ग हैं. नजर बर हक है, अगर लगनी है तो लगेगी. दुआ करें कि अगला बंदा आपको देख के माशाल्लाह बोले, एक्सपेक्ट करें कि बोले, ऑर्डर किसी को नहीं करना, अगेन एक्सपेक्ट करें. और मेरा भाई काश मेरे साथ होता, वो ज्यादा बेटर इस चीज को एक्सप्लेन करता, बिकॉज ही रीड्स अ लॉट माशाल्लाह, ही हैज अ लॉट मोर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक देन मी, देन आई डू. तो या